तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं स्वागत करता हूं आपका। मेरा नाम है संजय। शुरू करते हैं। F20s Pro 5G और पोको फ़ोन है और वीवो का फ़ोन है T1 Pro, दोनों 5G फ़ोन है। दोनों के बारे में आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला लुक इन दोनों का, साथ ही शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस ये है फ़ोन, चमचमाता हुआ फ़ोन आप देख सकते हैं, ओप्पो का फ़ोन है और 26,000 रुपये इसकी प्राइस है, आप देख सकते हैं। साथ ही T1 Pro को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। T1 Pro 25,000 रुपये का समथिंग आता है, ये भी आप देख सकते हैं। काफ़ी प्यारा लुक लग रहा है इसका, वीवो T1 जैसा लुक है बिल्कुल। साथ ही बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, फुल HDR डिस्प्ले मिलेगी और साथ में एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड 12 यहाँ दोनों में मिलता है। और साथ में प्रोसेसर की बात करें तो वीवो T1 Pro में स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही F20s में 680 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही रैम रोम की बात करें तो 8GB 128GB प्लस 5GB एक्सपेंडेबल है और साथ ही वीवो T1 Pro की बात करें तो यहाँ पर 8GB 128GB दिया हुआ है। बात करते हैं कैमरे की, तो यहाँ पर 64 MP कैमरे यहाँ दोनों में देखने को मिलते हैं और साथ में फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 32 MP का कैमरा ओप्पो F20s Pro में दिया हुआ है, साथ ही 16 MP का कैमरा T1 Pro में दिया हुआ है। बात करते हैं इसके वीडियो फीचर्स की, तो यहाँ पर 1080 पिक्सल पर दोनों में शूट कर सकते हैं, साथ ही F20s Pro में 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। और बैटरी की बात करें तो 4700 mAh की बैटरी हमें वीवो T1 Pro में देखने को मिलती है और साथ ही 4500 mAh की बैटरी F20s Pro में देखने को मिलती है। बात करते हैं चार्जिंग की, तो यहाँ पर हमें 66 वोल्ट का चार्ज T1 Pro में देखने को मिलता है और साथ ही 33 वोल्ट का सुपर हुक चार्जर हमें ओप्पो F20s Pro में देखने को मिलता है। मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।